प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सम्मान आदर प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम एवं विद्वता के अनुसार आपको अधिक से अधिक कुंडली, भाव, युक्ति, ग्रहों का, नक्षत्र का ज्ञान प्राप्त करूँ। अगर आप लोग इसी तरीके से देखते रहेंगे मेरे प्रोग्राम को, तो खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ, सूर्य ग्रह कुंडली के किन किन भावों यों राशियों में राजयोग विद्वान बनाता है, इसको आप सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में मेष राशि हो, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग पूर्ण भाग्यवान होते हैं, विद्वान होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, समाज में राजा के समान पूजे जाते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि हो, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग सामाजिक सेवा करते हैं, सोशल विचार के होते हैं, ऐसे लोग राजनीति पर भी भरोसा करते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में सिंह राशि हो, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में धनु राशि हो, उसमें सूर्य अगर बैठा हुआ है, ऐसे लोग राजयोग कारक होता है, ऐसे लोग राजा के समान सुख पाते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छा यश कीर्ति पैदा करते हैं, समाज में इनको जो कुछ भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहता है, स्वयं का निर्माण करते हैं, ऐसे लोग विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं और अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं। जिसके कुंडली में ग्रह में भाव में मीन राशि हो, उसमें अगर सूर्य बैठा हुआ, दोस्तों क्या क्या कहने हैं, ऐसे लोग कई उद्योगों के मालिक होते हैं, ऐसे लोग सरकार से पूछे जाते हैं, सरकार से इनको पद मिलता है, ऐसे लोग कभी भी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी सामाजिक इनकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं बर्बाद होती है, सांसारिक सुख पारिवारिक सुख ऐसे लोगों को पूर्ण प्राप्त होता है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव सिंह राशि हो और उसमें अगर सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति कुंडली वाले विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग संतान योग्य होते हैं, ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति धार्मिक कार्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं और अच्छी यश कृति प्राप्त करते हैं तथा अपने जीवन के सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई मित्रगण अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम तरीके को जान लीजिए, मैं आपके कुंडली का विश्लेषण कर दूँगा। आप लोग के सहयोग के लिए एक बार फ़ोन नंबर बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।